एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्गी 9। आज हम इस छोटे से प्लास्टिक बॉक्स को कन्वर्ट करने वाले हैं स्टोरेज बॉक्स में। ओके, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जेसो। जेसो अप्लाई करने के बाद इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लेने वाले हैं ये प्रिंटेड पेपर। आप इस टाइप के नो कॉपीराइट प्रिंटआउट्स निकाल के इसका यूज़ कर सकते हो। हम इसके ऊपर लगाएंगे एक्रेलिक कलर। कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज़ किया है और उसके बाद डेबर से इसको डेप कर देंगे, क्योंकि इस तरह से ब्रश स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे। कलर अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अब हम इसको रेडी करेंगे ग्लिटर से। तो इस पर सबसे पहले लगाएंगे ग्लू, उसके ऊपर ग्लिटर को अच्छे से लगाएंगे। आप जब भी ग्लिटर का काम करते हैं ऑलवेज एक क्लीन पेपर नीचे रखें, इस तरह से ग्लिटर को बाद में इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको सील करने के लिए हम इसके ऊपर मोड पॉज ग्लू अप्लाई करेंगे। ग्लू को अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम पोल्का डॉट्स बनाएंगे।
यहाँ पर हम पेपर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। पोल्का डॉट्स के ड्राई होने के बाद इसके ऊपर और एक बार मोटपोज ग्लू अप्लाई कर दे और इसको सील कर दे। जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है वो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप ये रिक्रिएट करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। जो पेपर हमने कट किया था उसको यहाँ पर प्लेस कर दे। यहाँ पर हम ज्वेलरी स्टोर कर सकते हैं, तो रेडी हमारा स्टोरेज बॉक्स। प्लास्टिक बॉक्स को ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्स में कन्वर्ट करने का आइडिया कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।